चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। भगवान को 5 तारीख को केवल ज्ञान हुआ, यानी केवल ज्ञान पंच कल्याणक में केवल ज्ञान कल्याणक 5 तारीख को मनाया गया। तो केवल ज्ञान कल्याणक के पहले क्या भगवान को ज्ञान नहीं था? ज्ञान कल्याणक कहते ना, अरे आज भगवान का ज्ञान कल्याणक है, ज्ञान कल्याणक है, कहते कि नहीं? अरे हाँ, तो बोलिए, आपने देखा कि नहीं देखा कभी पंच कल्याणक? देखा है ना? तो केवल ज्ञान कल्याणक के पहले भगवान को ज्ञान था कि नहीं था? आप लोग कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? ज्ञान 5 तरह का होता है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान तो समस्त संसारी जीवों में है ही। अब ये बात अलग है कि मिथ्या दृष्टि का कुमति ज्ञान और सम्यक दृष्टि का सुमति ज्ञान होता है, ठीक है? जब भगवान का जन्म हुआ था तो जन्म होते ही भगवान को अवधि ज्ञान प्राप्त हो गया था, तीसरा ज्ञान, ठीक है? चौथा ज्ञान जैसे ही भगवान ने दीक्षा ली तो उन्हें मनः पर्याय ज्ञान प्राप्त हो गया था, ठीक है? अब बचा पांचवा केवल ज्ञान। अब इन पांचों ज्ञानों में अंतर क्या है? मति ज्ञान जो मन और इंद्रियों की सहायता से जाना जाता है उसको मति ज्ञान कहते हैं, जो एक इंद्री से पंचेंद्री तक सबको होता है। मन और इंद्री, इंद्री से भी जान सकते हैं और साथ में मन हो तो और अच्छे से जान सकते हैं। एक इंद्री में मन तो नहीं है, 2-3-4 इंद्री में मन तो नहीं है, मन तो केवल पंचेंद्री में होता है ना? तो ये नहीं कह सकते कि मन जरूरी है जानने के लिए, क्या ये नहीं कह सकते कि जानने के लिए मन ही जरूरी है? नहीं, इंद्रियों से भी जाना जाता है। भौरे को खुशबू पसंद है, फूलों पर बैठता है, बहुत अच्छा लगता है उसे खुशबू लेना फूल पर बैठ करके। किससे जाना? नाक से जाना, घ्राण इंद्रिय से जाना। पतंगे को दीपक की लौ चमकती हुई चीज बहुत पसंद है। अब अभी ये फरवरी का महीना लग गया, इस समय पर वो छोटे छोटे कीड़े होने लगे है ना, जो उड़कर आते हैं। और जो पीला कपड़ा पहना हो, अरे बोलिए ना, है? उसके ऊपर तो ऊपर से नीचे तक बेचारे को चिपक जाते हैं सारे, तो पीले कपड़े पर ही क्यों पहन बैठते हैं? वो रंग उन्हें पसंद है, वो कलर उन्हें पसंद है, खींचता है वो कलर उन्हें, जबकि मन नहीं है उनके पास में, लेकिन उन्हें वो कलर खींचता है, उन्हें अच्छा लगता है वो कलर, और इसीलिए वो उसी कलर पर आकर बैठ जाते हैं। और पर भी बैठते हैं, लेकिन पीला मिल जाए तो वो पैराइटी पहले पीले को होती है ना? तो इस तरह से इंद्रियों से और मन से जो ज्ञान होता है उसको कहते हैं मति ज्ञान। उसमें जो विशेषता बताए, अब जैसे चींटी को मीठा पसंद है, क्यों पसंद है नहीं पता, लेकिन पसंद है, मति ज्ञान में जान लिया। श्रुत ज्ञान का क्षोभ अभी कम है उसके पास में, तो श्रुत ज्ञान का क्षोभ मन वाले प्राणी के पास में बहुत होता। भाई मुझे मीठा तो पसंद है, लेकिन मीठे में मुझे बर्फी बहुत पसंद है, मीठे में मुझे इमरती बहुत पसंद है, या मुझे रसगुल्ला बहुत पसंद है। श्रुत ज्ञान, ये रसगुल्ला है, ये इमरती है। और यदि चींटी होगी तो चाहे इमरती हो, चाहे रसगुल्ला हो, चाहे जलेबी हो, उसे तो मीठा चाहिए। लेकिन मन आ गया, श्रुत ज्ञान का क्षोभ ज्यादा हो गया, तो फिर उसमें विशेषता आ गई। मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थों में जो क्वालिटी और विशेषता बताए उसको कहते हैं श्रुत ज्ञान। किसे कहते हैं? विशेषता बताए।
तो उसको कहते हैं श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान से बहुत सारे काम होते हैं। आपने अक्षर पढ़े, अब अक्षर पढ़ने के बाद उसका अर्थ समझ में आया कि नहीं आया? यदि अर्थ समझ में जितना आ रहा है उतना श्रुत ज्ञान का क्षोभशम है, उतना आपका जितनी जितना ज्यादा होगा। यानी श्रुत ज्ञान बड़ा महत्वपूर्ण ज्ञान है। श्रुत ज्ञान में इतनी ताकत है कि वो केवल ज्ञान तक पहुंचा दे। अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान केवल ज्ञान तक नहीं पहुंचाते हैं, ये पर्सनल है। लेकिन श्रुत ज्ञान से इतना आप कार्य कर सकते हो कि केवल ज्ञान की प्राप्ति भी हो सकती है। अब जैसे कोई व्यक्ति यहां पर आया, अब व्यक्ति को आपने देखा, सफेद कुर्ता पजामा पहने हैं, पूरी हाइट और नेता वाली पूरी ड्रेस है। अब जैसे वो आया तो आपके दिमाग में क्या आएगा? कोई नेताजी लग रहे हैं। व्यक्ति तो सब देख रहे हैं, एक चिड़िया बैठी होगी उसे भी दिख रहा कि ये मनुष्य है, वो भी देख रही है। लेकिन श्रुत ज्ञान क्या करेगा? विशेषता बताएगा, अरे कोई नेताजी लग रहे हैं, अरे इनको कहीं देखा है पहले हमने, अरे हाँ ये वहां मिले थे हमें, अच्छा ये वहां के नेता, ये विधायक है वहां के, ये वहां के ये मंत्री है। ये कौन बता रहा है? कि कौन बता रहा है? श्रुत ज्ञान बता रहा है। किताब पढ़ी, किताब समझ में आई। किससे समझ में आई? श्रुत ज्ञान से समझ में आई। यानी ज्ञान से ज्ञान बढ़ाने का जो काम करता है उसका नाम है श्रुत ज्ञान। आपके पास है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, है। अच्छा फिर तो आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके पास में। अच्छा मन है कि नहीं आपके पास में? मन भी है आपके पास में, बहुत बढ़िया। तो आप बहुत उत्तम क्वालिटी के जीव हैं, प्राणी हैं, मनुष्य हैं। अच्छा भगवान को जानते हो कि नहीं जानते हो? आप जानते हो। क्या जानते हो भगवान को? एक होता है दर्शन करना और एक होता है भगवान के भाव पूर्वक दर्शन करना। मति ज्ञान ने आंखों ने दिखा दिया कि ये भगवान है, मन ने बता दिया कि ये भगवान है। अब उसमें क्वालिटी बताएं, ये तीर्थंकर भगवान है, ये भगवान महावीर की प्रतिमा है, ये चतुर्थ काल में हुए थे, ये हमारे अंतिम शासन नायक हैं, ये वीतरागी हैं, ये ना राग है ना द्वेष है, ये अपने आत्मा के ध्यान में लीन है। इनका ध्यान करने से, इनके दर्शन करने से हमें हमारे अंदर भी वीतरागता, हमारे अंदर भी भगवान बनने के भाव उठते हैं। जैसे पहले ये थे ऐसे हम हैं, ऐसे करते करते भाव में डूब गए। कौन सा ज्ञान? अरे बोलिए ना, श्रुत ज्ञान। ठीक है, अब यही श्रुत ज्ञान संसार में भी काम आता है। जब लड़ना हो, तो कौन सा ज्ञान चाहिए? मति ज्ञान ने तो बता दिया और मन ने बता दिया कि ये सामने वाला मेरा शत्रु है। अब ये शत्रु ने क्या क्या किया है और इससे क्या क्या लड़ना है, इससे क्या क्या कहना है, इस पर कितना क्रोध करना है, इसको कैसे पीटना है, इसको कहाँ नीचा दिखाना है, इसका कहाँ अपमान करना है, ये काम श्रुत ज्ञान का है। ये श्रुत ज्ञान का दुरुपयोग है। क्या है ये? श्रुत ज्ञान का दुरुपयोग है। और इस ज्ञान को स्वाध्याय में लगाना, इस ज्ञान को दर्शन में लगाना, इस ज्ञान को पूजा में लगाना, इस ज्ञान को भक्ति में लगाना, इस ज्ञान को अपने अध्ययन में लगाना, ये श्रुत ज्ञान का सदुपयोग है। यदि संसार के कषाय और पाप में ये ज्ञान लगाते हैं तो ये ज्ञान कम होते जाता है, बढ़ता नहीं है, ये कम होते जाएगा। और जब इसी ज्ञान को हम धर्म में, ध्यान में, ज्ञान में लगाते हैं तो ये ज्ञान बढ़ता जाता है। अब आपने देखे होंगे कई माताजी महाराज जी हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं। आरिका सुपार्श्वती माताजी क्या पढ़ी थी मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत कम पढ़ी थी और उन्होंने करुणानियों के बड़े बड़े ग्रंथों की रचना कर दी। भाई कैसे कर दी उन्होंने? उन्होंने जब अपने ज्ञान को, अपने श्रुत ज्ञान को, अपने मति ज्ञान को शास्त्र में लगाया तो उनका ज्ञान बढ़ा। ज्ञान से ज्ञान बढ़ा, पैसे से पैसा बढ़ता है, पैसे से पैसा खिंचता है, भीड़ से भीड़ खिंचती है और ज्ञान से ज्ञान बढ़ता है।
ज्ञानी की संगति में रहो तो ज्ञान से ज्ञान बढ़ता है। तो ऐसे एक नहीं कई उदाहरण, तरुण सागर जी सातवीं पास थे और सातवीं पास महाराष्ट्र ने बड़े बड़े पढ़े लिखों को ज्ञान करा दिया, बड़े बड़े नेताओं को ज्ञान करा दिया। जो डिग्रियां लेके बैठे होते हैं उन्हें आशीर्वाद देते थे, उन्हें बताते कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करो, कहां से आया ज्ञान? ज्ञान से ज्ञान बढ़ा, ध्यान से ज्ञान बढ़ा, तपस्या से ज्ञान बढ़ा। कहां कहां से ज्ञान बढ़ता है? ज्ञान स्वाध्याय में लगाओ तो ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान ध्यान में लगाओ तो ज्ञान बढ़ता है, और ज्ञान से तपस्या करो तो ज्ञान बढ़ता है। इन तीन कारणों से ज्ञान बढ़ता है, ज्ञानावरणी कर्म का छह उपशम होता है। और एक ज्ञान दान भी बताया है, कोई ज्ञान दान करता है, जिनवाणी की सेवा करता है, मंदिर में जिनवाणी में कवर चढ़ाता है, अच्छे से रखता है, विनय करता है, हाथ जोड़ता है, नमस्कार करता है, बढ़िया विनय पूर्वक स्वाध्याय करता है, पढ़ाता है, पढ़वाता है, उनको भी फिर इस चीज का फल मिलता है। तो उससे ज्ञान का क्या होता है? ज्ञानावरणी कर्म का छह उपशम होता है, तो ज्ञान बढ़ता है। आप लोग चाहते हो कि नहीं चाहते कि आपका ज्ञान बढ़े? अरे बोलिए ना, चाहते हैं? कौन कौन चाहता कि आपका ज्ञान बढ़े? अच्छा बहुत बढ़िया। तो क्या रोटी पानी में इस ज्ञान को लगाते रहेंगे तो क्या ज्ञान बढ़ जाएगा? नहीं। नोट गिनने में इस ज्ञान को लगाते रहेंगे तो क्या ज्ञान बढ़ जाएगा? अरे बोलिए ना, नहीं बढ़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? स्वाध्याय करना पड़ेगा, प्रवचन सुनने पड़ेंगे, ध्यान करना पड़ेगा, और जितना आपको आता है उतना ही ध्यान कर लो। ये भी बहुत बड़ी बात, ऐसा नहीं कि आपको ज्ञान नहीं है, मेरी दृष्टि में आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। आपसे बड़ा तो आपके पड़ोसी भी नहीं होंगे ज्ञानी, आप जितने ज्ञानी हैं। बचपन से आपको बहुत सारी चीज याद भी करा दी गई है, तो जो याद करवाया वो ज्ञान है कि नहीं है? बारह भावना आपको आती कि नहीं आती? आती है ना, है? जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई, घर संपत्ति सब प्रगट है पर है परिजन लोय। ज्ञान है कि नहीं आपको कि जब तक मेरा शरीर यहाँ है तब तक ये सब मेरे हैं, है? और जैसे मैं इस शरीर से उड़ जाऊंगा वैसे सब पराए हो जाएंगे, इतना ज्ञान है कि नहीं है? तो आपका मोह तो कम होगा ना फिर घर वालों से, मोह कम है कि नहीं है घर वालों से? आप लोग सहारनपुर से आए ना, तो आप कहाँ जाओगे? अच्छा तभी यात्रा करने निकले हो, चलो आपने पांच दिन का मोह तो छोड़ा, घर वालों से पांच दिन का मोह तो छोड़ा, अब छोड़ा कितना है? अब सुबह शाम बात भी चल रही है, और सब्जी क्या बनाई थी? महिलाएं होंगी, खाना वाना ठीक से खिला दिया था और सब कर दिया था? अच्छा तूने ज्यादा तेल तो नहीं डाला सब्जी में? अभी मोह नहीं छोड़ा, अभी मोह चल रहा है। मोह बढ़ाने वाले साधन भी उपलब्ध हैं। पहले शिखर जी की यात्रा में जाते थे तो सब घर वालों से पूरी विदाई लेके जाते थे, अब लौट के आए या ना आए कोई जरूरी नहीं है। और पूरा मोह माया, माया समझ गए? माया किसे कहते हैं? क्या बात है, आपको पता है? आप तो बड़े ज्ञानी हो, फिर तो मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। माया यानी धन। तो मोह और माया दोनों को छोड़ करके समय शिखर की यात्रा को जाते थे, और वो छह महीने में पहुंचते थे, फिर वहां वंदना करते थे। कोई लौट के आ जाता था तो उत्सव मनाया जाता था, पूरे गांव को खाना खिलाया जाता था, और हर आदमी तो समय शिखर की वंदना कर भी नहीं पाता था। बहुत गांव में दो चार परिवार होते थे जो समय शिखर की वंदना कर पाते थे। अब तो बड़ी सुविधा है, अब तो बड़े पुण्यशाली हैं। सुबह इच्छा हुई शिखर जी जाना है, शाम को ट्रेन में बैठे, दूसरे दिन सुबह शिखर जी पहुंच गए, तीसरे दिन सुबह वंदना करने पहुंच गए। लो कितना सरल हो गया, मोह भी नहीं छोड़ना पड़ा, माया भी नहीं छोड़नी पड़ी, और यात्रा भी हो गई, है ना? पुण्यशाली हो ना,
हाँ या नहीं? बेचारे निर्णय नहीं कर पा रहे हम पुण्यशाली हैं या नहीं है। निर्णय की क्षमता ज्ञान करने के बाद आती है। जिसके पास में ज्ञान है उसके पास में निर्णय की क्षमता है, और जिसके पास ज्ञान नहीं है वो दिन भर कंफ्यूज रहता, ऐसा करूं कि नहीं करूं, ऐसा करूं कि नहीं करूं, ऐसा करूंगी तो ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, ऐसा कर लें कि नहीं कर लें, वो चार जनों से जाके पूछेगा और जिनसे पूछ रहा वो भी स्वयं कंफ्यूज है। यदि उनने आपको रास्ता बता दिया, अभी एक बहन जी आई, वो बोली, बोले माता जी हमारी टीचर ने कहा तुम्हारा गणित बहुत अच्छा है, तुम सीए कर लो। अच्छा भाई, अब घर वालों ने मना किया, बेटा तू नहीं कर पाएगी सीए, तेरी क्षमता नहीं है करने की, वो अलग चीज है। नहीं मानी। परिवार वालों ने समझाया, रिश्तेदारों ने समझाया, नहीं मानी। फिर क्या हुआ, 3 साल खराब किए, वापस आ गए। जिनने बताया है उनको खुद ही नहीं पता है कि सामने वाले की क्षमता क्या है, बस निर्णय फटाफट दे देते हैं चाहे वो गलत हो जाए। तो निर्णय की क्षमता कब आती है? ज्ञान करने के बाद। जिसके पास जितना ज्ञान उतनी निर्णय की क्षमता, उतना वो अहित से दूर होता जाएगा और हित के पास में आता जाएगा। तो जीवन में ज्ञान सबसे ज्यादा जरूरी है, और उसमें श्रुत ज्ञान का क्षेत्र बहुत ज्यादा जरूरी। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जो गृहस्थी होते हैं वो कहते हैं अरे अब हमारी 50 की उम्र हो गई, हम भूलने लगे। कहते कि नहीं कहते? अब तो 60 हो गई, अब तो दिमाग में कुछ याद ही नहीं रहता है, कहते हैं ना। अरे बोलिए ना, कहते हैं ना। किसी साधु के मुंह से सुना कभी? वो 70 के भी हो जाए और 80 के भी हो जाए, कभी सुना नहीं? सुना क्यों? साधु बनने के बाद में ज्ञान का क्षेत्र बढ़ता है, और ग्रस्त ने अपने श्रुत ज्ञान को ग्रस्ती में लगाया है तो उससे पाप कर्म का बंध हुआ, उससे क्षेत्र और कम हो गया। तो श्रुत ज्ञान, तीसरा है अवधि ज्ञान, चौथा है मने पर। अवधि ज्ञान द्रव क्षेत्र काल की मर्यादा को लेकर एक देश प्रत्यक्ष जानता है, और मनःपर्य ज्ञान दूसरे के मन में स्थित बात को जानता है। सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या करेगा, उसके मन में जो विचार चल रहे हैं उसको जो जान ले वो मनःपर्य ज्ञान। और जो तीनों लोगों की तीनों कालों की निरावरण ज्ञान है, जैसे एक लालटेन है, लालटेन में जब जलती, आप लोगों ने लालटेन नहीं देखी होगी, बच्चों ने तो देखी नहीं होगी, पुराने लोगों ने देखी होगी, लालटेन में पढ़े भी होंगे, है ना। तो जब जलती है तो उसमें से धुआं निकलता, वो कांच में लग जाता है, वो कांच काला हो जाता है। तो जब वो उसमें से थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही है, बिल्कुल कम, बिल्कुल हल्की हल्की, इतनी हल्की कि बिल्कुल वही के वही है, उससे ज्यादा दूर जा ही नहीं रही है। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री का ज्ञान, पंचेंद्री बने, थोड़ी रोशनी बाहर आई और ज्यादा। फिर उसके बाद में पंचेंद्री में संगी बने, तो थोड़ी और ज्यादा बाहर आई। फिर उसके बाद में थोड़ी और ज्यादा, फिर अवधि ज्ञान हुआ, थोड़ी सी और आई। मने पर यह ज्ञान हुआ, थोड़ी और ज्यादा आई, और शीशा पूरा साफ कर दिया और सारी रोशनी बाहर आ गई, वो हो गया केवल ज्ञान। बस ज्ञान समझ गए ना आप कि कौन सा ज्ञान कितना होता है। तो हम भगवान का ज्ञान कल्याणक मनाते हैं। तो ज्ञान कल्याणक का मतलब ये नहीं है कि पहले ज्ञान नहीं था और अब ज्ञान हो गया, नहीं, पहले ज्ञान तो था उनके पास में लेकिन केवल ज्ञान नहीं था। जो सबसे बड़ा होता है, सबसे श्रेष्ठ होता है, सबसे उत्तम होता है, जिसके बाद कोई सीमा ना हो, जिसके बाद कोई अंतिम लाइन ना हो, उसका नाम है केवल ज्ञान। जैसे सूरज बादलों में छिपा है, थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही है ना, तो जो थोड़ी थोड़ी आ रही है वो मतिश्रुत ज्ञान, थोड़ी और आई तो अवधि ज्ञान, थोड़ी और आई तो मनःपर्य ज्ञान, और सारे बादल हट गए तो केवल ज्ञान। ऐसे ही आत्मा पर कर्मों के बादल छाए हुए हैं, और जितना जितने बादल हटते हैं उतना उतना ज्ञान हमें होता है। तो अब जितना ज्ञान हमें है हम उससे ज्यादा कैसे बढ़ाएं? बस वही रास्ता तो धर्म का है, वही रास्ता तो स्वाध्याय का है,
उससे ही तो ज्ञान होता है और ज्ञान से ज्ञान बढ़ता है। तो बंधुओं, ज्ञान एक शक्ति है, ज्ञान सुख है, ज्ञान से देखते हैं। क्या कहा मैंने? ज्ञान ना हो तो सामने वाली चीज देखोगे समझ में आएगी क्या? नहीं आएगी। किससे देखते हो? ज्ञान से देखते हो। आपको यदि सुख का ज्ञान नहीं है तो क्या सुख महसूस करोगे? नहीं करोगे, है ना? और आपके अंदर शक्ति नहीं है तो क्या आप ज्ञान कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। यानी ज्ञान में सुख भी है, दर्शन भी है, शक्ति भी है और सुख भी है। देने में दान का, शरीर में कान का, और करने में ज्ञान का। छोड़ने में अभिमान का, देने में सम्मान का, और करने में आध्यात्मिक ज्ञान का। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और ज्ञान करने में कर्म का। पढ़ने में अध्याय का, पंच परमेष्ठी में उपाध्याय का, और करने में स्वाध्याय का। नेता में सुभाष चंद्र बोस का, नहीं आने में रोष का, और ज्ञान से आने वाले संतोष का। घर के पता का, नहीं करने में खता का, और आने में जीवन में समता का। निधियों में माणवक का, विद्वानों में चाणक का, और ज्ञान तीर्थ के जो हुए उस पंच कल्याणक का। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, और आने वालों में सहारनपुर का। जंगल में नाग का, शहरों में बाघ का, और सहारनपुर में जैन बाघ का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आपकी तीर्थ यात्रा का। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और जाने में जहाजपुर का। चलने में पाथ का, मित्रों में सात का, और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आपके मुस्कुराने का। शास्त्रों में समय सार का, और आने वालों में मुरार का। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। बोलिए 24 भगवान की। Hey, 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 hey
का विषय है कि हमारे मूल नायक मुनि सिद्धनाथ भगवान का जिन्होंने विराजमान किया था और जिन्होंने यहां पे पंचकिलणक में माता पिता सोधर्म और कुबेर एवं समस्त इंद्र बनने का जिन्होंने सौभाग्य लिया था वो पूरा परिवार आज स्वस्ति धाम में है। मैं बहुत बहुत उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए माता जी यहाँ पे विराजमान नहीं है, उनकी कमी तो बहुत ज्यादा सभी को खल रही है, लेकिन क्या करें, क्योंकि साधु है, आते रहते हैं जाते रहते हैं, एक नदी के समान होते हैं, तो उनको विहार भी करना जरूरी होता है। और वो आचार्य ज्ञान सागर जी का जो सपना था ज्ञान तीर्थ, उसका पंचकिरण करने के लिए यहाँ से वहां गई है, तो अपन को गर्व होना चाहिए कि माता जी इतनी दूर पंचकिरण कराने गई है। लेकिन इस वार्षिक उत्सव में हमारे भूपेंद्र जी और उनकी धर्मपत्नी रेखा जी दोनों यहाँ बॉम्बे से देखो यहाँ पधारे, उनका मैं तहे दिल से बहुत बहुत स्वस्ति धाम परिवार की तरफ से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इसी कड़ी में हमारे देखिए सोधर्म राहुल केला से चलकर यहाँ पे वार्षिक उत्सव में आए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हमारे कुबेर जी तो लोकल हैं, जयपुर है तो लोकल ही हैं, वो तो उनकी जब इच्छा होती है जब आ जाते हैं, तो उनका भी मैं बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। और सभी यहां पे जो पधारे हैं, महिलाएं हैं पुरुष हैं जो बाहर से आए हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं। चेन्नई से आए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी पधारे और इस वार्षिक उत्सव में बड़े धूमधाम से मनाया, ये हमारा सौभाग्य है कि मुनि सिद्धनाथ भगवान को पालकी में लेकर और पूरा भ्रमण स्वस्ति धाम का किया। सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे भूपेंद्र चाहता हूँ आपको कैसा लगा यहाँ पे आज जुलूस के साथ, दो शब्द अपने विचार के। जो माहौल बनाया और जो प्रसंग था उसमें अभिषेक शांति हरा करने के बाद जो जुलूस का जो एक अच्छा सा उत्सव बनाया, बहुत ही अच्छा लगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को भी मतलब उतनी उत्साह से मनाया आपने और उसी उत्साह से हम ये वार्षिक उत्सव जो है उसमें मनाते रहेंगे। और आप सब लोगों से विनंती है कि जितने ज़्यादा लोग वार्षिक उत्सव में आवें, माता जी तो होती हैं तो बहुत अच्छा है, उसका तो बहुत ही अलग एक आनंद है, पर माता जी नहीं भी होवें तो अपन सब यहाँ पे आकर के और वार्षिक उत्सव पर कम से कम अपने इकट्ठे होकर के बड़े उत्साह से ये मनाएं। जहाँ तक मुनि सिद्ध भगवान का यहाँ दर्शन करने का आने का सवाल है, मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ हर बार कोई नई चीज़ दिखाई देती है, नई सफलता मिलती है। कभी जितनी भी बार आया और वापस गया तो मालूम नहीं होता है कि काम अड़चन कैसी थी और कहाँ से कैसे हो गई, मालूम नहीं पड़ती है अड़चन कहीं है। मुनि सद्भवान की अतिशय प्रतिमा बहुत ही अतिशय है, इसमें आप सब लोग भी यहाँ पे जोर से दर्शन करें और रह करें। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, मैं सोच रहा था चलूँ नहीं चलूँ, पर यहाँ आने के बाद मुझे लगा ही नहीं कि मैं स्वस्थ हूँ। आप सब लोगों का उत्साह देख करके मैं ऐसा लग रहा था कि मैं खुद मतलब आगे लेकर के काम करूं, तो ये सब मुनि सिद्ध भगवान का अतिशय है। आप सब भी इस अतिशय का पुण्यधारी बने। जय जिनेन्द्र। ये भगवान का अतिशय ही है कि हम पंचकल्याण में माता पिता और सोधर्म विकास जी रारा और भूपेंद्र जी भाई और मैं, हमारी ऐसी जोड़ी बनी कि हम तीनों हमेशा हर साल तो यहाँ आते ही हैं। हमने हमारे फोन में नंबर भी
कुबेर के नाम से इन्होंने कर रखा है, मैंने सोधर्म के नाम से कर रखा है और माता पिता के नाम से, ये मतलब भगवान की कोई जोड़ी बनी हुई है, हम भी नहीं समझ पा रहे। कि मैं विकास से तो हर 5 दिन 10 दिन में हम दोनों एक दूसरे से बात ही करते रहते हैं, और भूपेंद्र जी तो हमारे माता पिता के समान मिले हैं, जो हमारे को पूरा ज्ञान देते रहे कि यहाँ चलो वहाँ चलो, सम्मेलन शिखर जी चलो, तुम क्या करते रहते हो, रात में खाना जोड़ो, सब चीज करो, मतलब वो हमें ज्ञान ही देते रहते हैं, इसलिए हम बड़े शुक्रगुजार हैं। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ, कितनी खुश हूँ मैं बता नहीं सकती, मेरी अंतरंग कल्पना नहीं कर सकती, मेरा मन इतना गदगद है कि मेरे कुछ शब्द नहीं है कहने को। बट यहाँ के जहाजपुर की समाज और जहाजपुर के परिवार मेरा परिवार है, मेरे को इतना हर्ष होता है सबको देख के। बस इसी तरह अपन सब साथ रहें और इसी तरह अपन भगवान की भक्ति करते रहें और अपन हर साल इसी तरह मनाते रहें और सब एकजुट रहें, सब एकजुट रहकर बोले जय बोले मुनीश्वर नाथ भगवान की जय। आज संयोग बस मैं यहाँ पे मंडा सुरेरा आया हुआ था मुनीश्वर नाथ भगवान की वेदी प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर, उस समय हमको वहाँ पे आना था, इसलिए मेरा यहाँ पे अचानक आना हो गया और ये मेरा बहुत 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 खुशी की बात है। यहाँ के प्रमुख पात्रों से भी मिलना हो गया, ये भी बहुत मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। बंधुओं मैं यहाँ पे इससे पहले 2015 में जब इसकी नींव लगी थी उस समय मैं आया था, मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ है जिस समय नींव लगी थी वहाँ पर वैराग्य नंदी जी महाराज वहाँ विराजमान थे, माता जी थे, 10-5 ये अपने गांव वाले मौजूद थे, इसके अलावा कोई नहीं था। मैंने माताजी से निवेदन किया, माताजी आप इस तरह इतना बड़ा काम कार्य ले रहे हैं, उनके नक्शा देख के बोले आप चिंता मत कीजिए, ये इतना ऐसा काम होगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, और वास्तव में जो कल्पना थी उससे भी बड़ा काम हुआ है, ये मेरे को बहुत ही खुशी की बात है। और आज मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरे को बहुत आनंद आ गया और यहाँ की जो व्यवस्था देख के भी बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद, इनके व्यवस्थापकों बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे मन में बहुत उल्लास है कि हम 3रा वार्षिक उत्सव मनाने जा रहे हैं और जिस तरह से हमने सोचा उसी तरह से जुलूस निकाला गया और मनाया गया। पर सब कुछ होते हुए भी गुरु माँ की कमी बहुत अखर रही है कि कब हमारी गुरु माँ आ जाए और यह स्वस्ति धाम भरा भरा हो जाए। और मैं यह सौधर्म इंद्र, कुबेर इंद्र और माता पिता इन तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये कहाँ इतनी दूर होते हुए भी स्वस्ति धाम में हर प्रोग्राम में अटेंड हो जाते हैं। ये इतनी भक्ति करते हैं तन मन धन से कि शायद हम जाचूर वाले भी इतना नहीं कर पा रहे हैं। इन तीनों की ऐसी जोड़ी है जैसे शांतिनाथ, कुंतुनाथ, हरनाथ, तीन तीन पद के धारी है, वैसे ही जैसे भगवान इनको तीनों की जोड़ी अमर रखे और वो ही पद इनको मिले, यही मेरी भावना है। और चौथे हमारे अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी टोड़ी वाले वो भी जुड़ रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। और मैं अपने महिला मंडल की तरफ से सबका स्वागत करती हूँ, धन्यवाद, जय जिनेंद्र। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, राजग्रही में जन्म लियो आप, राजग्रही में जन्म लियो।
परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500, 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज पर।